मेरा अजीब जा बड़ा प्यारा छोटा जा समान जा भरा है मेरा बकार सुन बकार यवानी जिंदाबाद यवानी जब मैं बात कर आपको सुनाओ वही वो तो आपसे बड़ा जूनियर है मैं क्या मेरा 10 साल का बच्चा जब उसको जिम्मेवारी मिलती है ना तो जितने बूढ़े होते हैं ना उनको सबको उसका अपना प्रधान मानना चाहिए हर सुर से सॉरी बड़े छोटे छोटे लोग हुए हैं राहुल गांधी की उम्र कब से चल रही है मैंने सब कुछ देखा नजदीक से देखा है मैं बीच बीच इन डिस्करी मार रहा हूं मैं की नहीं थोड़ी थोड़ी समझ आएगा डोगरी तो ऐसे रखी है मैं जब पार्लियामेंट जाना ना इन्हें नहीं सुनाना मैं एक कसम चुकनी ना तोड़ी चुकनी सगंध जी याद है ये सगंध 204 च डोगरी च साफा ये चूड़ीदार पजामा वो तो कपड़े मेरे को है ही नहीं है उसने अपनी पैंटा बड़ी ढंग दी सियाले के भरावा कभी ढीलियां कोटर वाली मेरा गलत का मकसद है तो लगा लिया तू ठगन पजामी समझ रहा क्या पजामा नहीं बनाया प्लीज जब मेरा प्रोग्राम हो गया तू तभी पजाया ना नचना भी है तू कुछ सोचना और साढ़े चार दिन बड़े मेरे साथी आई 96 मैं लड़ाई लड़ी है हमने अपने लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी हमारा कई बार नुकसान हुआ लेकिन नुकसान किसको बचाने के लिए हुआ वो कौन है आप लोग हैं यू नो बेटर मेरी प्रायोरिटी मेरा सब कुछ कुछ है सब कुछ मेरा कोई है तू सारे मेरे आओ तो मेरा कुछ है मेरा कहते कुछ नहीं है वेरी गुड चौधरी लाल सिंह आपको सुनाऊं अगर जम्मू कश्मीर में किसी का जलसा कहीं गुजर कहीं बकरवाल कहीं गद्दी कहीं सिप्पी कहीं कोली और कहीं भद्रवाही कहीं किश्तवाड़ी कहीं पांडरी कहीं पूंछी कहीं मीरपुरी कहीं डोगरा हम सारे लोग कहीं आप देखोगे तो जहां हिंदू मुस्लिम सिख की थाल मिलेगा तो चौधरी लाल सिंह के जलसे मिलेगा आप कभी भी कभी कभी अपनी आंखों से जरूर देखते रहना आपने बड़े जलसे देखने और करवाने हैं रब करे करवाएं करवाएं और आप परसेंटेज आप लोगों को देखोगे तो जिस जलसे में चौधरी लाल सिंह का जलसा होगा उसमें सारी जनता होगी सारे मजहब होंगे सारे धर्म होंगे सारी जातियां होंगी एक चौधरी मैं तो दुए चौधरी हाथ खड़ा करो मैं केड़ा खड़ा सब गुजर और इन्हें की इना लुटिया चकू पहला तू नशीर इन्हें की इना लुटिया मैं जानता आपकी जानकारी के लिए बकारो सुन यार सुनो यार दो आपकी जानकारी बढ़ाऊं मैं थोड़ी सी ये जो लोग हैं बकरवाल लोग थोड़े खड़े होना बकरवाल बकरवाल मुझे पूछो और ये वो लोग हैं आज इनकी भेड़ के लिए आए नम के पैसे इनके पले नहीं है और जो दवाई देते थे किसी बेच के उन बेच के आपको मैं दिखाऊंगा इनकी उन घरों में सड़ रही है और एक पैसा इनको नहीं मिल रहा मैं गलत कह रहे हैं भाई ये शायद उन लीडरों को भी पता नहीं होगा जो लीडर इनके इनके खास सरपंच बनते हैं मैं जानता और मैं था जहां मिनिस्टर या एमएलए मैं इनके डायरेक्टर जो डायरेक्शन ऑफिस था भूल का उसकी ईंट के ईंट बजाई थी और 300 रुपए किलो बकाई थी मैंने मैंने बकाई गांव में खुटियां बिकती हैं हमारे कुछ इलाके में काम करते हैं आज उनकी पोजीशन है उनका भी बुरा हाल हो गया मुझे समझ नहीं आ रही ये फुर्ती कहनी मार दिया सर बड़ा कीता बाकिया कीता बेटी दिया दही रखी थी और क्या करना आई एम सॉरी
आज देखो पूछी मीरपुरी मुजफ्फराबादी, यहां कुछ बैठे होंगे, है कोई खड़े हो जाओ, पूछी मीरपुरी मुजफ्फराबादी है कोई तो हाथ खड़ा कर दो। हाँ ठीक है, चाहता हूं तुसी थे इनके टूटे हुए थे, इनके जब ये वहां से आए थे बड़ी मुश्किल से, और सरकार ने इनको जमीन थी 244 कहता है तीन कहता है तुसी राणा साहब जाद, सरकार ने आर्डर कर दिया इस गवर्नमेंट ने कि ये जमीन ना अपनी बेच सकते हैं, ना इस जमीन को कोई उस पर लोन ले सकते हैं, कर्जा ले सकते हैं, तो लैंडिंग कहने वास्ते है। मैं आपसे कहना चाहता हूं जब पार्लियामेंट में जोकर खड़े करते हो हैं और उनको नारी तक नहीं है, वो कहते हैं आप वोट डालोगे उधर तो वोट इधर से आएगा मेरे पास, वो प्रभा वोट डालोगे इधर तो निकलेगा भी इधर, बनेगा भी इधर। मैं हैरान हूं रिकॉर्ड बनाया जम्मू में ठेके शॉप के खोलने का, चिट्टा तो कमाल हो गया। आज 15 से 20 बच्चे डेली यूज यहां मरता है और घर के माँ बाप सुनाते नहीं, शर्म के मारे की नशे से मरा, कोई शर्म करते कि कोई रिश्तेदार पड़ोसी कहे कि इसका बच्चा नशेड़ी था, ये टीके लगाता था, इसे ऐसे था। और इसलिए मैं कहता हूं जो सरकार चिट्टा बेचे, जो सरकार ठेका खोले वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार जमीने छीने वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार नौकरी छीने वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार पढ़ाई छीने वो सरकार निकम्मी है, वो जो सरकार में कमी है वो सरकार निकम्मी है, बोलिए बोलो जो सरकार में कमी है वो सरकार निकम्मी है। इंजन करिए मुठ बीच के आई बीच और कड़े मुठ कड़े नासा भरा। तो मैं कहा था इतनी बुरी हालत है और किसानों की छोड़ा यार पढ़ता हूं, तो मैं उन मुजफ्फराबादी पुंछियों को यकीन दिलाता हूं जो जहां कम से कम 10-15 लाख वोट है, बेशक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कम है लेकिन जम्मू में बहुत वोट है, इसलिए मैं वादा करता हूं ये कानून समझाऊंगा। यह कानून इनके हक के लिए मिला था, किसी ने आपके बाप के घर से नहीं दी थी और ना इनकी थी जिन्होंने छीनी, छीनने की बात कर रहे हैं। और दूसरा नंबर लोगों के घरों में तख्तियां आ रही हैं, ये स्टेट लैंड है, ये सरकारी जमीन है, सरकार बनाना कौन है, कौन बोला अखबार सिंह इंजन बोला लोग असी लोग बनाने फंसे न्यूज कौन बनाता असी बनाने असी बनाने कौन असी जे सरकार असी बनाने हां ते सरकार दी इट भी साड़ी ते पत्थर भी साड़ा जमीन भी साड़ी दफ्तर भी साड़ा और जेड़े थे काम करा दे वो साड़े के न शोरिया बोलो। और आज इन लगता असी नौकर है ना नहीं बनना नहीं बनना आधा नहीं छड़ना आधा ना थोड़ा सवारे दा उधर गया देश राज है थे और देश राज नहीं छड़ना लाल सिंह ने नहीं छड़ना था जो मर्जी कर रहा है किन्ना एरोगेंट किन्नी तहजीब और मैं कहना बदतरी सी ओए होए लोगों को मिलना नहीं तू है क्या भाई भाई दी मेरा पूछना चाहना कोई भी लीडर जो बैठे थे तुस बोल रही बाहर लीडर कोई बन सकता जब तुम मोयो अपने आप की पावरफुल समझा करो। चौधरी लाल सिंह की पैंच सही गुरबाणी
चौधरी लाल सिंह नवा पेन कुन रही देना जे पुत्रो नहीं ले देते तो मैं भी खा ली इस करिए मेरा पेन भी खोता तो खोया कुन तुस है क्या बात है शुक्र है हूं तुसे मेरे पर रहम आई गया मैं तो मेरी थोड़े पर रहम नहीं मेरी थोड़े ने प्यार और जिन्ना थोड़ा प्यार भी मिलता है मेरी कमिटमेंट का लेवल इतना और ज्यादा बदी ना थोड़े हस्ते अगर मेरे खून दे कोई भी कतरा पीस पीस करिए थोड़ी तरक्की हो सकी है तो मैं तेरे ही तैयार है अगले जंग तलवार की होंगी बंदूक की होंगी लोकतंत्र की नहीं होंगी तो सारे चरखे मारे हुए होने चरखे खत्म किए हुए बेईमान लोग ने अफसोस लगता है असें लोकें इन्नी दूर श्रद्धा बनाई है डोगरा भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक कौन है डोगरा जिन्हें श्रद्धा बनाई है लद्दाख असें जीते आज तू सीट लाया थे ना तुझा लद्दाख की सीट भी हमारी लेकिन अगर वो डोगरा ना होता तो चाइनी होते करने के लिए इस्लाम सिलाब है खुंद क्या पूरी जो निकालनी है क्या जनता बदलाव चाहती है इसलिए आज बाहर आई और इसलिए तो आए वोट तो केड़ी कोई वोट चार चढ़ रही है इसीलिए तो आए हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में विधायक रहे हैं बीजेपी के उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है वो विधानसभा जो विधानगर है वहाँ से आए हैं इस तरीके से देख रहे हैं उनको उनको समझ आ गई कि इस लोगों ने यहाँ का जो जम्मू का नुकसान किया है अब उधर है ठीक नहीं है लोगों के खिलाफ है जान किया उन्होंने आए हर्षदेव जी पहुंचे कितना समर्थन जो है बाकी पार्टियों को मिल रहा है ये तो बहुत अच्छी बात है सारे साथी जितने भी पार्टी है अलायंस की सबने समर्थन किया है।